धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्वदेहर। मुझे जनजाति कार्य मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में सहभागिता का अवसर प्रदान किया है। मैं मध्य प्रदेश के उस जनजातीय बहुल्य क्षेत्र से आता हूं और आज किसी विषय पर पहली बार बोलने का अवसर मुझे मिला है, क्योंकि 1.5 साल से इंतजार करते करते ये दिन आ गए, पर विपक्ष ने कभी भी सदन को ठीक से नहीं चलने दिया। आज मौका दिया है, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरा मेडन स्पीच भी होगा माननीय उपसभापति महोदय। माननीय उपसभापति महोदय, जनजाति समाज अब निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी जनजाति समाज को लगातार मिल रहा है। आजादी के बाद पहली बार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है और इसके लिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान देने के साथ साथ गरीबों, दलितों, आदिवासियों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी लगातार जनजातियों के विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में इसी वर्ष 15 नवंबर 2021 को, पिछले वर्ष में कांग्रेस ने 60 साल में किसी भी जनजातीय महापुरुषों को इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और पूरे सरकार के सम्माननीय सदस्यों को, देश के 12 करोड़ जनजाति भाइयों और बहनों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी से अब तक जनजातीय महापुरुषों को कभी भी इतिहास के पन्नों पर ठीक से जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस देश के सर्व सुसज्जित हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से रखा गया भोपाल में, और अन्य स्थानों के नाम भी लगातार जनजाति महापुरुषों के नाम से रखे जा रहे हैं। ये जनजाति समाज के लिए गौरव और सम्मान का विषय है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस पार्टी का राज्यसभा सांसद हूं। बकरी चराते चराते स्कूल में शिक्षक के बाद यहां आकर मेरे 12 करोड़ जनजाति भाइयों और बहनों के लिए बोलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है, मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के, और साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपए बजट परिव्यय में 12.32% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। हमारे विपक्षी साथी बोल रहे थे कि ये बहुत कम वृद्धि है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस वृद्धि के पहले 60 सालों तक अगर आपने काम किया होता तो हमारे लिए कोई काम बचता ही नहीं, ये वृद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों ने 60 सालों तक हमको तरसा के रखा, वोट बैंक समझ कर रखा जनजाति समाज को, और उसी विषय को मैं यहां पर रखना चाहूंगा। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र में जनजाति विकास के लिए 58,399 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एसटीसी घटक में 87,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए खाका पेश करने का प्रयास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत काल अब जनजाति समाज के लिए स्वर्ण काल साबित होगा।
सामुदायिक चेतना के साथ सामूहिक विकास और सामूहिक सम्मान का आगाज देश में हो चुका है और अब जनजाति समाज पूरे स्वाभिमान के साथ और आत्मसम्मान के साथ जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मैं ये भी माननीय उपसभापति महोदय कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कभी भी जनजातीय समाज के महापुरुषों का स्मारक बनाने के लिए एक ईंट भी खरीद के नहीं रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर महापुरुषों के स्मारकों को बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। ये हम समाज के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन का नाम रखा, अन्य एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है जनजातीय महापुरुषों के नाम पे। जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को लिखने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और उसके लिए भी संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है और अब जनजाति समाज के भाइयों और बहनों को इतिहास में उचित स्थान मिलने की पूरी संभावना है और इससे जनजाति समाज आशान्वित है। और आपने ये देख लिया पिछले चुनावों के परिणामों में कि चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत कर आई है, जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। माननीय उपसभापति महोदय, जनजाति समाज की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के संरक्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारे बहुत पहले की बात है, हमारे क्षेत्र के अंदर जनजाति समाज की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का काम किया जाता था, लेकिन 60 साल की कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम भी कर रही है। हमारे जनजाति समाज के लिए अलग जनजाति आयोग का गठन किया गया, जनजाति कार्य मंत्रालय को अलग से बनाया गया और आज जनजाति कार्य मंत्रालय पूरे देश के 12 करोड़ जनजाति दलित शोषित और पीड़ित जनजाति भाइयों और बहनों के लिए काम करने का प्रयास काम कर रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, हमारा जंगलों से गहरा रिश्ता है। जल जंगल और जमीन की बात विपक्ष हमेशा करते रहा है, वामपंथी पार्टियों के साथियों ने भी हमेशा ये बात कही है, पर जल जंगल जमीन से उनका रिश्ता कितना है? ये 60 सालों में जल जंगल जमीन में जाकर कभी झाके होते तो पता चलता ना। आज जल जंगल जमीन के साथ में जंगल में रहने वाला एक किसान का बेटा यहाँ सदन में आकर ये विषय रख रहा है और वास्तविक विषय पर मैं बात करने के प्रयास करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी सहित वामपंथी पार्टियों के साथियों से कहना चाहता हूं कि जल जंगल की और जमीन के मुद्दों पर आपने हमेशा राजनीति की है, आपने हमेशा उनको राजनीतिक मुद्दे बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है। राजनीतिक उपयोग के साथ में जनजाति भाइयों और बहनों को जल और जंगल और जमीन के लिए आपस में लड़वाने का काम भी किया है। जनता के बीच में, जनजाति भाइयों और बहनों के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम भी किया है, संघर्ष भी खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं सभी हमारे विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि अब जनजाति समाज जाग चुका है और जनजाति समाज अब इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होने देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी संरक्षक बनकर खड़ी है। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने असली मायने में जल जंगल जमीन के कामों को धरातल पर उतारने का काम किया है। जब इस देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमारे एक विपक्षी साथी भी पट्टों की बात कर रहे थे, वनाधिकार की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं पूरे दावे के साथ, जब मैं छोटा सा था, बकरी चराता था, तो मेरे पिताजी को वनाधिकार का पट्टा दिया गया था। तब भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार थी और आज हजारों लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में जंगल की बात करें तो वनधन केंद्रों को स्थापित करने की दिशा में भी सतत प्रयास किया जा रहा है और वनधन केंद्र जब स्थापित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब जनजाति समाज पूरी तरीके से, जनजाति समाज पूरी तरीके से वन में जो धन है और वनधन केंद्रों के माध्यम से वन में जो उत्पादन हो रहा है उसका उचित मूल्य भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा और जंगल का अब जनजाति समाज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना भी शुरू की गई है। जिस जिले में मैं रहता हूँ उसमें तो है ही है, लेकिन उससे भी हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन पूरे देश के जनजाति क्षेत्रों में वन बंधु कल्याण योजना प्रारंभ की गई है।
हमारे जिले को आकांक्षी जिला भी घोषित किया गया है, और देश में ऐसे सैकड़ों जिले हैं जिनको आकांक्षी जिले घोषित करके उनके विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। वनाधिकार पट्टों की बात करता हूँ, कभी 60 साल पहले जब विपक्ष की सरकार थी तो हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों को जंगल के अंदर से खदेड़ दिया जाता था। 20-20 साल, 15-15, 16-16 साल तक वो खेती करते थे, लेकिन उनको वनाधिकार का पट्टा तो दूर की बात, उनको ठीक से वहां खड़े भी नहीं रहने दिया जाता था। ये हाल थे, लेकिन आज ये हाल ठीक हो गए हैं, और मैं कहता हूं कि पूरा जनजाति समाज पूरे आत्मसम्मान के साथ अब पट्टे प्राप्त करके उसमें प्रधानमंत्री आवास भी बना रहा है, कुएं खोद के पानी देने का काम भी किया जा रहा है, उनको बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है, और वनधन केंद्रों के माध्यम से वनोपज भी उनको महंगे दामों पर बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्भुत काम है जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में कर रही है। प्रसिद्ध लेखक और चिंतक रामदयाल मुंडा ने कहा था कि कांग्रेस की सरकारें ट्राइबल सब प्लान के नाम पर बड़ी बड़ी राशि आवंटित तो करती थी, लेकिन जनजातीय गरीब समाज जहां था वहीं का वहीं रह गया। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिर्फ और सिर्फ हमको एक चॉकलेट बांध के दे दी थी और लटका दी गई थी, लेकिन बच्चे के हाथ में चॉकलेट नहीं देती। वही हाल हमारा जनजातीय समाज के साथ 60 सालों तक विपक्षी पार्टियों ने किया है। यू आर पाइपिंग मनी लीकेज सिस्टम को माननीय प्रधानमंत्री ने इस लीकेज को समाप्त कर दिया है। अब जनजातीय भाइयों और बहनों को, गरीबों और दलितों को उनका संपूर्ण अधिकार और पूर्ण राशि हमारी सरकार दे रही है, और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये नहीं, हमारे एक विपक्षी साथी बोल रहे थे ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे गिनवा रहे थे कि सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं बनी, इतने गांवों में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, इतने गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आप उनसे पूछना चाहता हूं कि 60 सालों तक अगर आप ये काम करते तो ये आज आपको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हम इतने काम आपको गिना देंगे कि आप उसको गिनते गिनते थक जाओगे। 60 साल की आप 60 साल काम नहीं किया और 7 साल के कार्यकाल की तुलना आप करने बैठ गए हो। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि जनजाति समाज को वोट बैंक समझने की आपने भूल करी है, उसके परिणाम आप भुगत भी रहे हो। पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ सम्मान भी जनजाति समाज के भाइयों और बहनों को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, मैं उसके लिए भी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, झोपड़ी पर जाकर फोटो खिंचाने के फोटो मैं बचपन में देखा करता था। बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो झोपड़ी में जाते थे, खाना खाते थे और फोटो खिंचाया करते थे, पर उस झोपड़ी को कभी भी महल बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने आज करोड़ों जनजातीय भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया है। और मैं बताता हूँ कि बचपन में मेरी घटना बता रहा हूँ, एक बार जब बारिश हो रही थी तो हमारा घर टपक रहा था, छत चू रही थी, आंसू आ रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा रात भर खटिया सरका लो इधर उधर, बारिश कम हो जाएगी और थोड़ा सा बच जाएंगे तो सुबह मैं कविलू ठीक कर दूंगा। अब वो खटिया सरकाते रहे पर बारिश तो पूरे घर में चू रही थी, पूरा घर गीला हो गया। हम परेशान होते रहे, पिताजी चिमनी जलाकर देखते रहे, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये बात जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची तो आज देश में करोड़ों जनजातीय भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया है, और हमको खटिया सरकाने की जरूरत नहीं पड़ती रात। अब हमारे जो भाई और बहन है वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे पिताजी ने या हमारे भाई ने तो इतना बड़ा मकान नहीं बना के दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वो मकान बना के दिया जो हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ियां तक इसमें बिना खटिया सरकाए या बिना पानी टपके या बिना भीगे या बिना गीले हो या बिना परेशानी की रह सकती है। उसमें फिर उज्ज्वला योजना का चूल्हा भी दिया, शौचालय बनाकर भी दिया, बिजली कनेक्शन भी बनाकर दिए, खेतों में पानी की व्यवस्था भी करके दी, और साथ में अन्य व्यवस्थाएं भी लगातार करने का काम किया जा रहा है, और किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झोपड़ी के सामने फोटो खिंचाते थे, अब हमने झोपड़ियां ही हटाने की दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आपको झोपड़ी के सामने फोटो खिंचाने की जगह नहीं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री आवास के बाद जल जीवन मिशन, एकलव्य स्कूलों की सौगात। मैं जब पढ़ता था तो कवेलू वाली स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज मेरे जिले के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सैकड़ों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हमारे यहाँ की माननीय सांसद जी बोल रहे थे
एकलव्य जी के अंगूठे की बात कही थी, उसके बाद हाथ काटने की बात कही थी। एकलव्य हमारे लिए पूजनीय है, हाथ काटने जैसा उपास करके आपने एकलव्य के बारे में ठीक नहीं बोला है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ सदन से वो माफी मांगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए की बात कही गई है। मैं बताता हूँ कि हमारे देश के उन गरीबों को 100 रुपए इलाज करने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक शानदार आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना बनाई। और हमारे जब जनजातीय भाई और बंधु इलाज कराने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सचमुच में हमारे लिए भगवान है रे, क्योंकि 5 लाख रुपए ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं है, पर उन गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का नोट या चेक के समान है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले बड़े समाप्त कीजिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। पहले बड़े 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 लोगों के स्पीच का टाइम मिल चुका। विदेशों में जनजाति छात्र, विदेशों में छात्रवृत्ति की बात करता हूँ मैं। हम लोग जिले के अंदर चल के आते थे पैदल, सड़क नहीं थी, कीचड़ में चलते थे, पानी की पिचकारियां, कीचड़ की पिचकारियां उड़ती थी, हमारे कपड़े खराब हो जाते थे, कई बार हमारी किताबें भी गीली हो जाती थी। माननीय उपसभापति महोदय, देश में आज प्रधानमंत्री सड़कों का जाल बिछ गया है, और जनजाति समाज का हर बंधु कहता है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और देश के प्रधानमंत्री जी को आज भी हम याद करते हैं और घर घर में फोटो लगाई है। मैं ये भी कहता हूँ, पहले हम लोग स्कूलों में पढ़ने जाते थे तो हम कभी भी जिला मुख्यालय की स्कूलों की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति बच्चों को एक छात्रवृत्ति योजना लाकर विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था भी कर दी है, और लाखों करोड़ों रुपए अब विदेशों में पढ़ने वाले जनजाति छात्रों को देने का कार्य किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जनजाति बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा किया है। इसके सहित प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन भी शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत जनजाति भाई और बहनों का विकास किया जा रहा है। उसके सहित करीब 265 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही है। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि अब जनजाति समाज का विकास होगा और होकर रहेगा। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, सारे विकास निरंतर चल रहे हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र रेल के और मेडिकल कॉलेज की सौगातों से काफी दूर है। मैं ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये सुविधाएं भी मिल जाएगी तो जनजाति समाज को एक बड़ा लाभ हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, यही है विकास की इबारत। मेरे विपक्ष साथियों से कहना चाहता हूँ, यही है विकास की इबारत। विपक्षी साथियों, आप जैसे कच्चे वादे हम नहीं करते, आप जैसे कच्चे वादे हम नहीं करते। रेत पर नाम हम लिखते नहीं, रेत पर नाम हम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं। पत्थर दिल है यारो हम तो, क्योंकि पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं, क्योंकि पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। इसलिए तो मोदी सरकार कहती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होगा और आपका भी साथ होगा तो भारत देश में चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज योर मेडन स्पीच, बट यू स्पोक लाइक ए वेटरन।